पब्लिक की डिमांड होती है और मोदी सरकार के हम सरपंच है, हमें अंदर नहीं जाने दिया। भगवान की कुछ जनरल डिमांड्स जो हमने उनको देनी थी मेमोरेंडम के तौर पर, हमारे लिए अंदर एंट्री नहीं है, तो मुझे बताया जाए कि फिर ये किस लिए आए। मुझे बताएं क्या ये जम्मू कश्मीर की हवा लगाने आए हैं या कि वाकई इस आवाम की बात सुनने आए। जब आप मुझे बताएं मिनिस्टर साहब किसके लिए आए, किसके लिए आए, सबको मिलने आ रहा है, उनके लिए करके छोड़ रहे यार, एक एक करके यहां ऐसा जब करके छोड़ रहा है कि कोई शोर नहीं करना यार। नहीं सर, आप तो आप ही जाएंगे, आप तो घर भी हुआ, इसका कोई तरीका है मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, आपको ठीक नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा चलो गो इलेक्टेड लोग जितने चुने हैं जिन्होंने यहां पे सिर्फ ये चमचागिरी के लिए आए। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हमें लोगों ने चुना है, हमने आवाम की बात करनी है, हमें किसी सुनेंगे, जहाँ पे भी बात आनी है, जहाँ पे भी कोई आता है मिनिस्टर है, आरटीडी से है, हमारी डिमांड है पब्लिक की, वो कौन बताएगा अंदर, आवाम की डिमांड को कौन बताएगा अंदर, इलेक्टेड सरपंच बताएंगे, जिनके लिए अंदर कोई जगह नहीं है, कैसी सिक्योरिटी है ये, पब्लिक की डिमांड को किसने बताया है, हमारी और मोदी सरकार के हम सरपंच है, हमें अंदर नहीं जाने दिया, कोई जगह नहीं है, मुझे बताएं किसके लिए, कोई मसला नहीं है, हमारी बात का हम जमहूरियत में हक रखते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जगह जगह चले। आज हमारे रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो दिल्ली से यहाँ आए थे, आवाम की कुछ जनरल डिमांड्स जो हमने उनको देनी थी मेमोरेंडम के तौर पर, हमारे लिए अंदर एंट्री नहीं है, तो मुझे बताया जाए कि फिर ये किस लिए आए। मुझे बताएं क्या ये जम्मू कश्मीर की हवा लगाने आए हैं या कि वाकई इस आवाम की बात सुनने आए। जम्मू कश्मीर यूटी में कोई सरकार नहीं है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन दिन रात काम कर रहा है, हमारे पास आवाम की डिमांड्स हैं, हमने वो देनी थी, हमें वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, इसलिए हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, आगे देखते हैं हम, क्योंकि हमारी यूनियन है, किस तरह से हमें क्या करना है, जो भी मुनासिब होगा कानून के दायरे में रहकर हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। आपको क्यों अलाउ नहीं किया, वजह क्या है उसके लिए वो बताएंगे सिक्योरिटी वाले, इसके बारे में हमें पता नहीं है। आप आइए, वहाँ बताया गया इनको ले चले पुलिस स्टेशन बंद करें, मैंने कहा उसके लिए हम तैयार हैं, हमें लोगों ने चुना है, लोग एक तरफ से गालियां दे रहे हैं और सरकार दूसरी तरफ से उठा के हम हवालाट में बंद करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है।